प्रदेश सरकार को दी जाए। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। ये नहीं होगा, ये नहीं है जो वहाँ जितने लोग थे जो जीवित बच के आ गए, आज तक के उनसे पूछताछ तक नहीं की, उसके बयान तक नहीं है, उसे नहीं से बात करेंगे, उसे क्या उम्मीद करते हैं आप? ये नहीं है हमने कहा कि आप जांच पूरा कर दिए तो उसको हमको वापस दे दो, तो राज्य सरकार ने किया तो हाई कोर्ट चल दे, सुप्रीम कोर्ट चलेगी, तो वो खुद जांच नहीं कर रही है और दूसरा जांच करने दे नहीं रहे हैं और तथ्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इतना डर क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? रायपुर में मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया और इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में देश भर से वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। श्याम बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों को जीवन स्तर के बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और सी मार्च के जरिए लोगों को रोजगार मिल रहा है। 30 महिलाएं काम कर रही है बकावंड में, काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है, 30 महिलाएं 12 महीने काम कर रही है और उसमें काजू प्रोसेसिंग भी कर रही है और 300 रूपये से लेकर 1900 रूपये किलो तक के उसकी बिक्री हो रही है। जो चीज 50 रूपये में बिक रहा था तो चूरा 300 रूपये बिक रहा है, तो ये अंतर है वैल्यू एडिशन करते। पूरे प्रदेश भर में हर प्रत्येक जिले में हमने सी मार्ट खोला, छत्तीसगढ़ मार्ट, सी मतलब छत्तीसगढ़ मार्ट, संभागीय स्तर पे भी है, 5 संभाग है वहां है, जिलों में कुछ जिलों में 2-2-3-3 है। ये सी मार्ट हमने खोला और ये अगस्त 2022 में शुरू किया, ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी अगस्त आएगा तो साल भर होगा और इस एक साल में करीब 45 करोड़ के जो आप वैल्यू एडिशन हमारे जंगलों में रहने वाले जो करते हैं, 45 करोड़ रुपए की बिक्री हो चुकी है। और बिलासपुर दौरे पर पहुंची छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने प्रदेश ईडी की कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर गैर बीजेपी शासित राज्यों में ईडी की कार्रवाई करवा रही है ताकि प्रदेश सरकार को परेशान किया जाए और उन्होंने कहा कि